आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए भी पैसा लगता है। वो ये पता नहीं आपको कितना दिख रहा है सेल्फी कैमरा से, ये जूता दिख रहा है आपको मेरा, 3 इंचेस करते ये, रन लिफ्ट एंड देन शूट। ज़रूरी नहीं है कि एनिमल्स को ही मारते, तो अभी बहुत लोग इसमें कमेंट भी कर सकते हैं कि यार एनिमल्स को मारता है। और तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैटम। आई होप आप सब लोग ठीक रहोगे गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुश रहोगे। ओके, स्ट्रगल्स तो रहते हैं गाइस, सबके लाइफ में रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक स्ट्रगल और एडवर्सिटी नहीं रहेगा तब तक मज़ा नहीं आएगा फिर। बट प्रोसेस मज़ा आना चाहिए गाइस करते वक्त। तो अभी रनिंग करके आया हूँ, बैठा हूँ शांति से, ये मेरा एक स्पॉट ही है, आजू बाजू में रहेगा लेकिन इधर ही कहीं पे रहूँगा मैं। तो यहाँ से माउंटेन्स दिख रहे एकदम क्लियर, आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ मैं। ये देखिए गाइस, ये चोटी दिख रहा है आपको, थोड़ा सा जूम किया है। रनिंग करने के बाद में थोड़ा बॉडी वेट भी किया करता था, तो अभी बॉडी वेट मैं सोच रहा हूँ कि बॉडी वेट में सिर्फ पुशअप करूँ। पहले एक 20-25 मिनट्स का सेशन होता था बॉडी वेट, तो मैं बोला कि ज़रूरत नहीं है शायद मेरे को। गाइस कैसा है ना, मेरा भी, मेरा सुनो, किसी और का सुनो, लेकिन करो खुद का, जैसे अपने बॉडी का सुनो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मेरे से या फिर किसी से भी ज़्यादा अपने बॉडी का, आपका बॉडी आपको बोलेगा। तो मेरा बॉडी अभी अंदर से बोल रहा है भाई तू बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है अपने बॉडी को, कार्डियो में तेरा अच्छा खासा हो जा रहा है तू सिर्फ कार्डियो में। वैसे भी लेग्स का वर्कआउट हो रहा है, तो मेरे को नहीं लगता है कि अपने, मैं स्क्वाट्स बंद कर रहा हूँ थोड़ा टाइम के लिए, स्क्वाट्स लोअर बॉडी वर्कआउट टोटली बंद ही कर रहा हूँ। मैं सिर्फ पुशअप मार रहा हूँ अभी, थोड़ा सा अपर बॉडी कम होता है रनिंग में, होता है लेकिन इतना नहीं। तो पुशअप थोड़ा सा 5 मिनट मार के बस ख़त्म कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ से वॉक करके आता हूँ माउंटेन्स से, और जाके तुरंत घर पे पहुँच के फटाक से योगा करूँगा। योगा तो मेरा फिक्स ही है गाइस, ऑक्सीजन है मेरे लिए शायद। मन तो ये तेरे था कि पहले योगा करके आऊँ, लेकिन फिर कैसे है कि योगा मैं नहा के करता हूँ आजकल, तो आजकल नहीं अभी से हमेशा नहा के ही करूँगा। तो रिसेप्टिविटी जो पावर रहता है वो बढ़ जाता है नहाने से, तो जाके फिर योगा करूँगा। अभी थोड़ा सा पिछले एक हफ्ते से व्लॉग कम आ रहे, मतलब एक ही आया रहेगा लास्ट वीक, राइट। तो थोड़ा सा गाइस किसी चीज़ में उलझा हुआ हूँ, राइट, थोड़ा सा डिग डीप कर रहा हूँ कि सर्वाइवल के लिए और ज़्यादा मेरे को कुछ करना पड़ेगा, राइट, और थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा बटन को, तो जिससे और ज़्यादा आउटपुट निकले और मतलब इनकम जनरेट हो, थोड़ा सा रेवेन्यू और ज़्यादा जनरेट हो। क्योंकि गाइस सब कुछ पैसा आपको हैप्पीनेस ऑब्वियसली ब्लिस नहीं दे सकता है, लेकिन पैसा आपका बहुत सारा नेसेसिटी, जो बेसिक नेसेसिटी है वो पूरा कर सकता है, आपको पैशन फॉलो करने के लिए मदद कर सकता है, आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए भी पैसा लगता है। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, घर चलाने के लिए पैसा लगता है। तो थोड़ा सा मेरे को प्रेस करना पड़ेगा बटन और ज़्यादा, तो वही मैं डिप कर रहा था कि, और अभी एक लाइन मैंने चुन लिया है कि टीचिंग ही है। मेरे को नहीं लगता है कि मैं कभी भी, बोल नहीं सकते, नेवर से नेवर बोलते हैं, मेरे को नहीं लगता है गाइस कि मैं कभी भी आज के बाद कभी भी कॉर्पोरेट में काम कर पाऊँगा, आई डोंट थिंक सो, लेकिन लेट्स सी, नेवर से नेवर। बट अभी के लिए मैं बहुत श्योर हूँ कि मेरे को जो भी करना है, सर्वाइवल बोलते हैं, लेकिन मेरे को टीचिंग पसंद है गाइस, मज़ा आता है मेरे को, तो टीचिंग में ही करना है कुछ। अगर मेरे को कुछ एक बेस क्रिएट करना है अपना, एक बोलते हैं कि सेफ्टी नेट नहीं रखना चाहिए, ये वो ब्ला 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 मोटिवेशन में, लेकिन मेरा बैकअप नहीं है गाइस, अपना कुछ है नहीं, जो करना है अपने को ही करना है, तो फिर वो अपने लिए नहीं है। तो अपने को थोड़ा बेस भी थोड़ा तैयार करना पड़ेगा मेरे को, कि कल जाके अगर कुछ भी नहीं रहा मेरे को, मेरा पैशन का काम ही नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, कल टीचिंग करके तो मैं अपना पेट पाल सकता हूँ, राइट। तो वही तैयार करना है, कुछ कॉलेजेस जा रहा हूँ मैं, कुछ जूनियर कॉलेजेस जा रहा हूँ, कुछ और कॉलेजेस जा रहा हूँ, तो वहाँ पे बात कर रहा हूँ, सुनने में आ रहा है कि वैकेंसीज है मैथमेटिक्स के लिए, क्या पता नहीं, क्रॉस, फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी। तो यही
जिद्दोजहद जो भी बोलते हैं, इसके चक्कर में व्लॉग नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसके बाद भी मैं कर सकता हूँ। मैं ये एक पुश नहीं कर रहा हूँ मैं खुद को, मतलब थक जा रहा हूँ क्या मेंटली पता नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा गाइस आपको हफ्ते में कम से कम 4 ब्लॉग तो आए मिनिमम। पता है ये वीक नहीं आया, लेकिन करूँगा मैं, 4 ब्लॉग तो आएगा गाइस। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ठीक है? तो मैंने क्या किया है गाइस, अभी मैं रनिंग करके जस्ट आया हूँ, तो ये पता नहीं आपको कितना दिख रहा है सेल्फी कैमरा से, ये जूता दिख रहा है आपको मेरा? ओके, तो ये जो शूज़ है ये है मेरा रेसलिंग शूज़ गाइस। ये मैंने डेढ़ साल के ऊपर हो गया रहेगा, तो पढ़ाई है गाइस, पढ़ाई है। कोरोना की वजह से 1 साल से ट्रेनिंग बंद है मेरा, बॉक्सिंग रेसलिंग सब कुछ बंद, और इसी चक्कर में मेरे को अपना दूसरा पता चला कि इससे भी अच्छा कुछ चीज़ और भी चीज़ पसंद है। तो पता नहीं अब मैं वापस जाऊँगा क्या ट्रेनिंग के लिए, लेकिन फ़िलहाल मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये जो शूज़ है रेसलिंग का शूज़ है, इसको मैं रनिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो देखते हैं। सोल पतला है गाइस, मैं आपको बताता हूँ, रनिंग का शूज़ का जो सोल है वो जाड़ा रहता है, रेसलिंग का शूज़ का जो सोल है वो पतला रहता है, थिन रहता है। तो अभी देखता हूँ, आज मैंने रनिंग किया तो मेरे को कोई भी इशू नहीं हुआ, शायद कोई पत्थर वगैरह आ गया तो मेरे को चुभेगा, वो एक रहेगा, लेकिन इतना लाइट था ये, जैसे सोल जितना जाड़ा उतना शूज़ हैवी। पता नहीं एडिडास और नाइकी का उल्टा रह सकता है, क्योंकि उन लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करते हैं अपने शूज़ में, ख़तरनाक लेवल का, कि बहुत लाइट बनाते हैं सोल जाड़ा होने के बावजूद, लेकिन बाकी सारे कंपनी इसका नहीं है, सोल जाड़ा रहेगा तो हैवी हो जाता है शूज़। तो भागते वक्त पता नहीं, आज मैं ऐसा लग रहा था कि मैं फ्लाई कर रहा था, मैं रन नहीं, लेकिन इंजुरी हो सकता है शायद, लेट्स सी। लेकिन मैंने सोचा कि यार मिलिंद सोमन तो बिना शूज़ का बैरफुट भागता है, तो ये मैं पतला सोल में क्यों नहीं भाग सकता, लेट्स सी, एक हफ्ता ट्राई करता हूँ मैं। और वो मिलिंद सोमन है और मैं प्रतीक हूँ। कम नहीं हूँ उससे या ज़्यादा भी नहीं हूँ, बस मैं हूँ, ठीक है? बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ मैं मिलिंद सोमन का यार, इंडिया में वही है जो स्पोर्ट्स में मेरे को इंस्पायर करते हैं, वो मेरे इंस्पिरेशन है। और उनके बाद अगर कोई है, या फिर उनके पहले भी बोल सकते हैं, उनके पहले वो है मेरे कोच माइकल परेरा, तो उनके बाद अगर इंडिया में कोई मेरा इंस्पिरेशन है अभी फ़िलहाल के लिए फिटनेस में, तो वो है मिलिंद सोमन, और बाहर डेविड गॉगिंस और नेवी सील रह चुके हैं डेविड गॉगिंस, एंड अल्ट्रा मैराथन रनर आयरन मैन किया है बहुत बार, मिलिंद सोमन जी ने भी किया है, कैमरन हेन्स, ये कम्पीट नहीं करते, ये अपने मनमोजी है, मन के राजा है, कहीं भी उठ के किधर भी चले जाते, कितने भी दूर तक रोज़ रनिंग करते, लिफ्टिंग करते, और तीन चीज़ करते ये, रन, लिफ्ट एंड देन शूट। शूट यानी टू बी मोर प्रिसाइज, एक्चुअली ये बो हंटिंग करते हैं, बो हंटिंग इंडिया में तो लीगल नहीं है, ओरेगन करके एक सिटी है यूएस में, अगर मैं गलत रहूँगा तो डोंट कोट मी ऑन डैट, ठीक है? बो हंटिंग जो है गाइस वो यूएस में ओरेगन सिटी जो है, बहुत सारे जगह पे लीगल है, तो वो करते हैं, बो हंटिंग ही नहीं एक्चुअल में, अपना शूटिंग भी करते हैं नॉर्मल, मतलब एम रख के, ज़रूरी नहीं है कि एनिमल्स को ही मारते। तो अभी बहुत लोग इसमें कमेंट भी कर सकते हैं कि यार एनिमल्स को मारते हैं और तू उसको मतलब इंस्पिरेशन मानता है, तो गाइस अब पर्सपेक्टिव रहता है, देखने का नज़रिया है सबका, ठीक है? अब हर चीज़ में से आप लोग पॉजिटिव भी ले सकते हो, किसी का नेगेटिव भी ले सकते हो, मैं वो चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन उनका और अच्छा चीज़ है 50, तो मैं उस पर ध्यान देता हूँ जो मेरे को इंस्पायर करता है अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए। मेरे अंदर भी 50 खामियाँ हैं, तो आप लोग खामियाँ मत देखो, हो सके तो उसको इग्नोर मत करो, बताओ, बट फॉलो मत करो उसको, ठीक है? जो मेरा अच्छा चीज़ है उसको फॉलो करो, राइट? सबसे सबके अंदर अच्छा चीज़ रहता है, जितना हो सके सबसे थोड़ा थोड़ा अच्छा लेने का ट्राई करो और सीखने का कोशिश करो गाइस, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा आपको मेंटली फिजिकली। तो गाइस अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगता है मेरा, तो मेरे ब्लॉग को लाइक करो गाइस, कमेंट करो नीचे और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा कंटेंट बना सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस आज का ब्लॉग देखने के लिए, बाय गाइस, टेक केयर।